तो गाइस आज हम आ गए एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर। गाड़ी है हमारे पास ये वैगनार VXI गाड़ी है। ये सॉलिड वाइट इसका कलर है। गाड़ी की बात करते तो 1.0 लीटर में इसका इंजन है। ये 5 सीटर गाड़ी है हमारी। सेफ्टी वाइज बात करते तो 2 एयरबैग गाड़ी के अंदर है। और ये का फ्रंट का जो लुक है ना, कुछ ऐसा लुक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो हमारे को हैलोजन लैंप मिल जाएंगे और नीचे टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो फोग लैंपिंग है इसमें नहीं आती, जो हमारा VXI है ना इसमें नहीं आती, ZXI के अंदर ये इनबिल्ट रहता है। और यहाँ पर ये क्रोम की कुछ फिनिशिंग दी हुई है और बीच में जो मारुति को रिप्रेजेंट करता है वो लोगो दिया हुआ है। नीचे की तरफ हम बात करते हैं तो ये हमारे कुछ ऐसे ब्लैक के अंदर फिनिश मिल जाती है, जो ग्रिल है इसकी। और यहाँ पर हमारे को टू करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। गाड़ी की जो हमारी फ्रंट की शेप है वो कुछ ऐसे दी है बोनट की। और जो ऊपर की तरफ है हमारे 2 वाइपर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे को ना एक एंटीना मिल जाएगा। और साइड प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को एक टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बॉडी कलर के हमारे को ORBM मिल जाते हैं। व्हील साइज की हम बात करते तो हमारे को 14 इंची व्हील साइज मिल जाएंगे विद कैप के साथ है। और यहाँ पर लोगो मिल जाएगा हमारे को मारुति का। और MRF का जो टायर है ना, ये बहुत अच्छी कंपनी है, उसका ये टायर मिल जाता है। और ग्राउंड हमें स्पेस की बात करते हैं तो हमारे को 185 mm ग्राउंड स्पेस मिल जाता है। वैगनार की जो इसकी लेंथ है सेंटीमीटर के अंदर 365.5 इसकी लेंथ है। और वेड की बात करते तो 162 सेंटीमीटर, हाइट की बात करते तो 167.5 और व्हील बेस की बात करते तो 143.5। हमारा जो साइड का इंडिकेटर है ना, यहाँ पर ये मिलेगा, ये इसके ORBM के अंदर नहीं मिलेगा। फोल्डेबल हमारा मिरर नहीं है, मैनुअल के अंदर रहेगा। और जो साइड की हम बात करते तो यहाँ हमारे को ना बॉडी कलर का हैंडल मिल जाता है। और ऊपर यहाँ पर जो हमारा रूफ रेलिंग है वो नहीं मिलेगी इसके अंदर। पीछे हम आते हैं तो गाड़ी के चारों हैंडल है ना, जो हमारे को बॉडी कलर के मिल जाएंगे। और यहाँ पर ना कुछ देखिए अच्छी सी फिनिश दे रखी है इन्होंने, प्लास्टिक की दे रखी है। और जो साइड में ना हमारे को मिलते हैं वो प्रोटेक्शन साइड वाली नहीं मिलेगी हमारे को। तो गाड़ी की बैक की बात है, एक बार हम पीछे आते प्रोफाइल की हम बात करते तो ऊपर से हमारे को यहाँ पर प्लेन कुछ ऐसा रहेगा। स्पॉइलर नहीं मिलेगा, ये डिफोगर नहीं रहेगा। और जो हमारा वाइपर रहता ना वो नहीं। यहाँ पर हमारे को मारुति का लोगो मिल जाएगा। नीचे की तरफ है जो गाड़ी का नाम है ना वैगनार वो रहेगा। और हमारी जो लाइटिंग की बात करते हैं तो टेल लाइटिंग रहेगी हैलोजन के अंदर। और गाड़ी के पीछे ना जो 2 हमारे यहाँ पर सेंसर रहेंगे, बैक सेंसर, और नीचे रिफ्लेक्टर रहेंगे। गाड़ी का हमारा जो बैक का बम्पर है जो बॉडी कलर का मिल जाएगा हमारे को। और जो गाड़ी का बूट स्पेस है ना, बूट स्पेस की एक बार हम बात करते हैं। हमारे को एक कैरी ट्रे मिल जाएगी, बूट स्पेस 341 का मिल जाएगा। पीछे हमारा जो है ना इसके अंदर टोल्स, गाड़ी का जो जैक वगैरह रहते हैं ना। और पीछे हमारा जो कुछ ऐसे सेफ के अंदर स्टपनी मिल जाएगी, सेम जो 14 इंची में है ना वही हमारे को। बैक में लाइटिंग नहीं रहेगी इसमें, इस वाले मॉडल में जो डिक्की की लाइटिंग है। जो हमारा फ्यूल टैंक का बटन है वो आगे की तरफ सीट के पास ही दी। गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है इसकी 32 लीटर की कैपेसिटी है पेट्रोल की। और एक बार अंदर की तरफ हम जाते हैं गाड़ी के, और जो अंदर का इंटीरियर कैसा लोगों वो आपको दिखा देते हैं। हमारे को ना 2 कुछ इस तरह की मिल जाएंगी, दोनों पर सेम ऐसे लोगो रहेगा। और लॉक और अनलॉक का बटन रहेगा इसके। एक बार जो गाड़ी के अंदर एंट्री कर लेते हैं हम। यहाँ पर साइड में है ना हमारे को ना यहाँ पर ऐसा कंट्रोल मिल जाएगा, चारों विंडो का कंट्रोल यहाँ पर रहेगा। ये हमारा ये जो ड्राइवर साइड की विंडो है ना, ये सिर्फ 1 टच रहेगी हमारी। और साथ में हमारा ये लॉक और अनलॉक, और ये हमारा जो मिरर है ना साइड का मिरर, उसको एडजस्ट करने का, इसे एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से ही जहाँ पर हमारे को एडजस्ट रहता है। और यहाँ पर कुछ हमारे को ना सिल्वर फिनिश के अंदर ये जो हमारे लॉक है ना वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। नीचे हम बात करते तो हमारे को कैरी करने के लिए बोतल मिल जाएगा, बोतल रखने के लिए। और यहाँ पर हम अखबार वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे को स्पीकर मिल जाएगा, हमारे को 4-way में सीट एडजस्टेबल मिल जाएगी।
और स्टेयरिंग की हम बात करते हैं तो हमारे को एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाएगा है। हमारे को यहाँ पर ना फ्यूल एफिशिएंसी बटन मिल जाता है और यहाँ पर हमारा जो फ्रंट की लाइटिंग एडजस्ट कर सकते। स्टेयरिंग की हम बात करते हैं तो हमारे को काफ़ी इस अच्छे लुक का स्टेयरिंग मिल जाता है। यहाँ पर सिल्वर मिल जाता है, इसमें कुछ फिनिश यहाँ पर मारुति का लोगो रहेगा, साथ में हमारा एक एयरबैग यहाँ पर रहेगा, दो एयरबैग गाड़ी के अंदर, एक हमारा लेफ्ट साइड एयरबैग रहेगा। और यहाँ पर बात करते तो ये स्टिक हमारे को मिल जाती है लाइट एडजस्ट के लिए, और इधर वाली स्टिक मिल जाती है हमारे को जो फ्रंट के हमारे ये वाइपर होते हैं ना उनको एडजस्ट करने के लिए, चलाने के लिए रेन वगैरह में। हमारे को कुछ ना एनालॉग से टाइप का मीटर मिल जाएगा, नीचे छोटी ही डिस्प्ले दिखाई दे रहा है ना, ये डिजिटल में मिलेगी। और साइड में जो हमारे कंट्रोल है फ्यूल वगैरह का, इसमें दिखा देता है, और विंडो का, सीट बेल्ट का, और यहाँ से हम गाड़ी के ना एवरेज वगैरह और कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। एसी के हमारे को ना चार वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ से देखिए कुछ ऐसे एडजस्टेबल रहेगा, इसको हम बंद भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर रहेगा देखिए, इसका एक यहाँ पर हमारे एसी का वेंट्स रहेगा, काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव दे रखे यार। ठीक है, हम म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे को ना इनबिल्ड म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें हमारे दो स्पीकर रहेंगे, जो फ्रंट वाली विंडो है ना उसके अंदर रहेंगे, बैक वाली के अंदर नहीं मिलेंगे हमारे को। और हमारे को ऑक्स और यूएसबी कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पर हम मोड पे बात करते हैं तो हमारे को ब्लूटूथ है और एफएम का इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से ना हम इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कॉल रिसीव और कॉल कट का भी दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये डिस्प्ले का मोड है हमारा, यहाँ से ये इसका मोड हम चेंज कर सकते हैं, एफएम वगैरह ब्लूटूथ पे जहाँ पे भी हमारे को इसके कनेक्टिविटी रखनी थी। नीचे हमारे को ना मैनुअल एसी मिल जाएगा, और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड मिल जाती है, और यहाँ से हम गर्म ठंडा कर सकते हैं, यहाँ से हमारा एसी ऑन ऑफ रहेगा, और ये ताज़ी हवा के लिए। और नीचे हमारा ना कुछ ऐसा फ़ोन का स्पेस और साथ में 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा। बात करते हैं हमारा ना कुछ गियर की, बात करते थे गियर की स्टिक ऐसी मिल जाती है, 5 गियर के अंदर गाड़ी रहेगी, एक बैक गियर रहेगा इसके अंदर। और नीचे हमारे को ना यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिल जाता है यहाँ पर, और हमारा जो गाड़ी है मैनुअल के अंदर हैंड ब्रेकिंग रहेगी इसकी, साइड में कुछ ऐसा ये मिरर रहेगा, यहाँ पर लाइटिंग रहेगी पीछे के लिए, हमारा जो बैक का व्यू देखने के लिए मैनुअल हमारे को मिरर मिल जाएगा। देखिए फ्रंट की हम गाड़ी की बात करते हैं ना, कुछ हमारे को ऐसे क्रीम कलर में और अच्छा सा स्पेस मिल जाता गाड़ी में। ये नीचे हमारा ब्लू बॉक्स है, इसमें भी काफ़ी स्पेस है, और जो यहाँ की फ्रंट का लुक है ना गाड़ी का कुछ ऐसा है। आप हमारे को ना कमेंट कर सकते हो आपका जो फ्रंट का गाड़ी का लुक है ना कैसा लगा। हमारे को कुछ ऐसे सिंपल सीट कवर मिल जाते हैं, लेदर के अंदर नहीं रहेंगे। और जो गाड़ी का फ्रंट का लुक है ना वो हमने आपको दिखा दिया, जो बैक का और लुक है वो बैक पैसेंजर का लुक और आपको दिखा देते हैं। जो हमारा लॉकिंग है कुछ ऐसी फिनिशिंग रहेगी, नीचे की तरफ वही बोतल होल्डर मिल जाता है यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए, और यहाँ पर हमारा जो मिरर है ना अप डाउन के लिए बटन रहेगा। और नीचे हमारे को यहाँ पर ना हम इसके अंदर इनबिल्ड नहीं रहता है, ये स्पीकर दो ही रहते हैं आगे फ्रंट वाले। बैक में जो हमारे पैसेंजर सीट है ना कुछ ऐसा इसका फिनिश रहेगा, हमारे को ना दो हेडरेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर तीन बंदे ना आराम से बैठ सकते हैं। जो मेरा लेग स्पेस है ना, लेग स्पेस और हेड स्पेस देखिए काफ़ी अच्छा है। वैगनर का यार ना हेड स्पेस का हाइट काफ़ी है ना गाड़ी की, इसीलिए हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पर ग्रिपिंग के लिए है ना हैंडल मिल जाते हैं, फोल्डेबल हैंडल नहीं है ये, वैसे किसी की ज़्यादा हाइट है तो उसको यहाँ पर जो फोल्डेबल होते हैं ना उसमें तो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, सिर वगैरह में नहीं लगते, लेकिन इसका स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसलिए। और साइड की हम बात करते तो हमारे कुछ ऐसे फिनिश के अंदर जो हमारा ये विंडो को ओपन करने के लिए, और यहाँ से हमारा ये यही चारों विंडो का कंट्रोल, मतलब हर एक विंडो और चारों का वहाँ पर भी दे रखा है, और यहाँ पर हर एक विंडो का आप अपना कंट्रोल दे रखा है। स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक फीचर मेरे को यार लगा, जो हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं ना गाड़ी में बैठकर, सभी का रहता है यार चार्जिंग का सॉकेट, इसमें 12 वोल्ट का आगे की तरफ दे रखा है, एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर होना चाहिए था जो नहीं दे रखा है इसके अंदर। क्या पता इससे जो टॉप वाला मॉडल है उसके अंदर हो, कंफर्म नहीं है। ना जो मारुति की वैगनर गाड़ी है ना VXi, ये जो सॉलिड वाइट है, इसका प्राइस है ऑन रोड 6,50,000 रुपये, 6.5 लाख रुपये है। अगर आपको इस गाड़ी का रिव्यू और इस गाड़ी का मतलब प्राइस भी जो भी बोल सकते हैं यार अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।